अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज कोई रेसिपी शेयर नहीं हो रही है, हम घर में कैसे मसाले बनाते हैं वो शेयर कर रहे हैं। ये सब गरम मसाले हैं, इनको सब एक साथ मिक्सी के जार में पीस लेते हैं। क्वांटिटी हम अपने हिसाब से आप ऐड कीजिए। और ये धनिया ज़ीरा हम पहले से इसको लेकर भून लेते हैं और ठंडा होने के बाद इसको पीस लेते हैं। ये हमारा 250 ग्राम धनिया है और उसे हाफ ज़ीरा है, और ये दोनों को साफ़ करके भून कर हम पीस लिए हैं। इस तरह से हमारा ये धनिया ज़ीरा पाउडर रेडी हो जाता है, जो हमारे रेसिपीज़ में काम आता है। और ये है अदरक लहसुन। अदरक लहसुन को हम पहले से छील कर साफ़ कर लेते हैं और अदरक के बारीक पीसेस कर लेते हैं, जिसको धोकर हम इसके बाद एक मिक्सर के जार में इसको पीस लेते हैं। और इसमें थोड़ा सॉल्ट, नमक, थोड़ा सा खाने में जो इस्तेमाल होता है वही ऑयल ऐड करके पीस लेते हैं, ताकि ये ज़्यादा टाइम तक रहे और ख़राब ना हो। और पीसने के बाद हम इसको एक साथ इस तरह से मिक्स कर लेते हैं एक बर्तन में। मिक्स करने के बाद एक साफ़ जार में हम इसको ऐड कर देते हैं, भरकर इस तरह से हम भर देते हैं जार में, और इसको हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि ये ख़राब ना हो। इस तरह रखने से हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट ख़राब नहीं होता है। और ये देखिए, हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी हो गया है, अब ईद में भी हमें काम आ जाएगा। और इस तरह हम डेली भी बना कर रखते हैं, और ईद का भी मौका है तो आप इस तरह से बना कर रखिए, आपकी हर रेसिपी में काम आ जाएगा। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ब्लॉग या रेसिपी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।